अब पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेडिक्योर और मैनिक्योर करने के लिए। अक्सर हम लोग अपने फेस के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम लोग हाथ और पैरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन वही हमारा एक्सपोज्ड एरिया होते हैं और वहाँ पे ज़्यादा सन एक्सपोजर के कारण हमारे हाथ और पैरों में धूल मिट्टी उसके साथ टैन भी जमा हो जाती है और हम लोगों को चाहिए होता है ऐसे खूबसूरत पैर और हमारे बहुत सुंदर से हाथ। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे हम लोग ऐसे हाथ और पैरों को पा सकते हैं। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मेडग्लो विद पोम्पा, में मैं पोम्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार इस चैनल पे। आज की इस रेमेडी में हम लोग को जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा। आज मैंने 2 टेबलस्पून भर के चावल का आटा लिया है क्योंकि मुझे हाथ और पैरों में दोनों जगह पे अप्लाई करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, जो मैंने लिया है वाइल्ड हल्दी, और उसके साथ 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है कॉफी पाउडर। अब ये सारे तो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो डेड सेल की लेयर है और हमारे स्किन में जो जमी हुई मैल की परत है उसको हटाएगा ये बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइम हम लोगों का क्या होता है कन्फ्यूशन हो जाती है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, हम लोगों को यहाँ पे चाहिए बेकिंग सोडा। तो आपको यहाँ पे बेकिंग सोडा ही लेना है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप लोग यहाँ पे इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ले लिया है बेकिंग सोडा। अब पानी के साथ मैं इसको मिक्स करूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ पे ऐड करूंगी। आप लोग भी एक साथ में पानी का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कीजिएगा और जब भी देखिएगा ये एक पैक के कंसिस्टेंसी में आ गया है तब जाके आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। लेकिन पानी के साथ जब भी आप लोग मिक्स कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग करना है क्योंकि यहाँ पे राइस फ्लावर है तो राइस फ्लावर में थोड़ा सा ग्रैनुल्स होते हैं तो ये बहुत अच्छे से नरम हो जाए उसके बाद ही हम लोग इसको हाथ और पैरों में लगाएंगे, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए जितना पानी हमें ऐड करना था वो हो गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 15 ड्रॉप लेमन जूस। लेमन जूस में एसिडिक नेचर होने के कारण हमारी स्किन से ये टैन को बहुत अच्छे से रिमूव कर देगा। तो लेमन जूस यूज़ करने के बाद देखिएगा यहाँ पे झाग बनेगा, यही झाग हमारी स्किन को बहुत अच्छे से टैन फ्री करेगा। एंड इसके साथ हमें मिक्स करनी होगी यहाँ पे नारियल तेल, क्योंकि ये जो नारियल तेल हम लोग यूज़ करेंगे ना ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और ये जो हमने यहाँ पे लेमन जूस यूज़ किया है बेकिंग सोडा का यूज़ किया है इससे हमारी स्किन ड्राई ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पे कोकोनट ऑयल हमने लिया है 1 टेबल स्पून। कोकोनट ऑयल मिलाने के बाद अगेन इसको बहुत अच्छे से मिक्स करनी है। बहुत टाइम आप लोग देखेंगे हमारे हाथों में हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा टैन जम जाती है, हमारे हाथों में अनइवन स्किन टोन होती है, काला पड़ जाता है, हमारे पैरों में कोई जान नहीं रहता है, एकदम काला काला सा दिखने लगता है। ये पैक हमारे हाथों से पैरों से पूरी टैन को रिमूव कर देता है, उसके साथ हमारे स्किन में जितने भी मैल जमी हुई रहती है उसको भी हटा देता है। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ आपको हाथ और पैरों के लिए करनी है, ये फेस में कभी भी अप्लाई मत कीजिएगा। तो देखिए मैंने इस पैक को लिया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपने हाथों के ऊपर अप्लाई किया है। इसको ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा मसाज करके अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे स्क्रबिंग का भी काम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे राइस फ्लावर है जो बहुत अच्छे से एक स्क्रब का काम करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, उसके साथ जो कॉफ़ी है वो भी हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, पॉलिश करता है, हमारी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है कॉफ़ी पाउडर। और उसके साथ हमने यहाँ पे लेमन जूस का यूज़ किया है जो एक नेचुरल ब्लीच का काम करेगा, उसके साथ साथ बेकिंग सोडा है। ये सारे इंग्रेडिएंट जब मिला के हम लोग हाथ और पैरों में इस्तेमाल करते हैं या गर्दन पे कन्हुई पे जहाँ पे भी आपको डार्क पैचेस दिखाई दे उस सारे एरिया पे आप लोग इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक को अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक आपको इस पैक को रखना ही होगा अपने स्किन के ऊपर और हल्के हाथों से मसाज करनी पड़ेगी 5 से 7 मिनट तक। देन एक वेट टिश्यू ले लीजिए, उसके बाद पूरे पैक को अपने हाथ और पैरों से ऐसे पहले रिमूव कर लीजिए, उसके बाद प्लेन वाटर के साथ अपने हाथ और पैरों को धो लीजिए। धोने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग खुद ही नहीं पहचान पा रहे कि ये आपके हाथ है और ये आपके पैर है। अगर आपके हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा मैल जम गई है या टैन हो गई है तो ये रेमेडी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। महंगे से महंगे पेडिक्योर और मैनीक्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस रेमेडी को एक बार ट्राई करते हैं घर में। हमारे सामने बहुत सारा फेस्टिवल है एंड ये सारे फेस्टिवल से पहले
इस रेमेडी को अगर आप लोग करते हैं तो आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जब भी पैक को रिमूव किया है, मेरी स्किन कितना ज़्यादा ब्राइट हो गई है, कितना ज़्यादा फेयर दिख रहा है मेरा हाथ का स्किन। सारा टैन यहाँ से रिमूव हो गया है, सारा मैल और छोटे छोटे हेयर्स भी जो है वो भी गायब हो गई है। तो आई होप आज का ये रेमेडी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस रेमेडी को घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। रेमेडी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।